तो गाइस ये सचिन तेंदुलकर सर का घर आमिर खान खड़ा हुआ है, आजा दिखाऊं तेरे को भाई। वो आमिर मुंबई में एक चीज समझ ली मैंने, यहाँ कोई अपनी थूक भी किसी को फ्री में नहीं देगा। गाइस ये रहा अपना कोच C2। तो गाइस अब हम जा रहे हैं जुहू। चलो यार वहाँ किस किस का घर है बताओ यार, थोड़ा बताओ वहाँ केवल का है या और क्या नाम दिखाओगे हमें। अच्छा वहाँ वॉकिंग पे है या ऑटो करना पड़ेगा? नहीं नहीं ऑटो थोड़ी, रोड पे ही है उसका मकान। तो आप मेन जगह उतार दो जहाँ हम तीन चार सेलिब्रिटियों के घर देख पाए, ठीक है? ओके चलो डन है गाइस, हम जा रहे हैं मीटर से 21 रुपए बेस प्राइस और यहाँ से आई थिंक 7-8 किलोमीटर है उसके हिसाब से। तो भैया कह रहे थे 80-90 होगा, कैब में 150-200 रुपए लगेंगे। तो हमने कहा चलो यार ऑटो कर लेते हैं, मौसम अभी थोड़ा सा ठीक हो चुका है, हवा ओके चल रही है, तो हमने कहा ठीक है बराबर काम करते हैं। क्यों सही बात, खलास कर देंगे खलास। ज्यादा भीड़ सलमान और शाहरुख के घर पे होती है, कोई जगह ज्यादा होती है। और यहाँ और किसी का भी घर है बैंड्रा में? हाँ उधर है क्या ना, वो नए हीरो के नाम है लेकिन नाम नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं जो कार्तिक आर्यन और आयुष्मान हीरो के है, काटा रोड पे है। अच्छा अच्छा, वो भी महंगा एरिया है? हाँ वो भी इम्पोर्टेड एरिया है। अच्छा इससे कम है लेकिन बैंड्रा से? वो बांद्रा में तो है काटा रोड। अच्छा बांद्रा में ही है। अच्छा 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 ओके आई सी। अभी जब निकलेंगे ना जब हम लोग हाँ दिखा देना एक बार है, वहाँ निकलते वही तो रास्ता है जाने का। चलो डन है, तो अंकल जी कह रहे हैं सब दिखाएंगे आपको, बढ़िया है चलो सब देखते देखते जाएंगे। अरे बंगले ही है यहाँ पर ओनली, नॉर्मल फ्लैट व्लैट कम ही है, बंगले ज्यादा। सचिन का भी बंगला इधर है। अच्छा सचिन का है, कहाँ पर है? सचिन तेंदुलकर इधर है, दिखाई दिखा दो जरा, दिखा दो, दिखा दो यार अंकल, बहुत मजे। बहुत क्रिकेट खेलता है हमारा भाई विराट कोहली का, तो इसे दिखा दिया दिल्ली में, कह रहा है सचिन तेंदुलकर का भी दिखा अपने इलाके दिल्ली में। हाँ तेंदुलकर की बैट ली मैंने आपने पता है, और क्या इसका भी ब्लॉग आएगा जल्द। डन है, हाँ जी बताओ। सचिन तो नहीं मिलेगा, उसका बल्ला तो तुमको दिखाएंगे। डन है बल्ला ही दिखा दो, बल्ला दिखाएंगे। वो घर पे नहीं मिलेगा, बल्ला तो मिलेगा। ये जाते कहाँ है, घर पे नहीं होते, कहाँ कहाँ घूमते हैं ये बड़े तो नहीं क्या मालूम, किधर घूमते रहते हैं पता है क्या? मजे मारते हैं जिंदगी के, इधर उधर गप्पे। इतना कमा लिया उड़ाने की उम्र है भाई, हमारी कमाने की उम्र है। ये वाला है शाहरुख का अपना, सॉरी सचिन का, ये ब्लैक वाला। ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला गाइस, ये सचिन तेंदुलकर सर का घर। ओ भाई क्या घर है, वो लिखा झाड़ के पास क्या होती है ना, हाँ पैरी कुछ लिखा हुआ, पैरी पैरी क्रॉस लिखा हुआ, पैरी क्रॉस। अच्छा अच्छा, तो ये प्रॉपर बैंड रहा है ये पूरा, जो कैमरे वैमरे लग रहे हैं भाई। अंदर जाना मतलब पास जाएंगे तो दिक्कत करेंगे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आराम से तुम देखो बाहर निकल के, एक बार देख लें। आजा मला राजा। ये जो है सचिन तेंदुलकर का घर है, वीडियो में ही देखा है, पैरी क्रॉस रोड कहते हैं इसको। देखो वो देखो कितना बड़ा बंगला है भाई, काफी बड़ा बंगला है भाई, क्याड़ा बंगला यार भाई, पूरी ग्रीनरी है तो अलग ही चीज बनाई है यार, अलग ही है भाई। ये सबसे अलग है, ये बहुत यूनिक घर बना है, और पेंट देखो एकदम ही अलग है ना भाई। सचिन ने गॉड ऑफ क्रिकेट भाई, जूम करता हूँ भाई, जूम करके घर के अंदर तो घुस मैं नहीं घुस रहा, कैमरे की नजर तो घुसे है और क्या। अरे भाई दिख जा सचिन, सचिन साहब दिख जाओ हमें। ओ भाई गाइस देखो 13x जूम कर दिया, अंदर दे दिया। अब लाइक जरूर कर देना इतने भाई, सब्सक्राइब कर दो यार, मैं बता रहा हूँ मानने वाली बात है, जो बजट हम लेके आए थे गाइस मुंबई में उससे 3 गुना ऊपर हम जा चुके हैं। 3 क्या 4 गुना भाई, 3-4 गुना ऊपर जा चुके हैं। हाय सब्सक्राइब कर देना प्लीज, लाइक भी। चलो वापिस बैठते हैं ऑटो में, अब जाएंगे हम छोटे एक्टरों के घर, अंकल के छोटे नहीं, अंकल कहते छोटे एक्टर, नहीं एक्टर मतलब हमसे तो बहुत बड़े हैं, बट शाहरुख खान सलमान के आगे छोटे हैं ना भाई, न्यू कमर्स भाई शाहरुख तो भाई वो बहुत बड़े हैं। तो ये कार्टर रोड है। अच्छा जो नए एक्टर है अभी, जो नए आए जो अभी स्टार बने हैं, उन्होंने यहाँ घर लिया है यहाँ, मतलब अंदर से थोड़ा कम रेट है, अंदर तो बहुत ही ज्यादा रेट है, इधर बहुत हाई फाई है, इधर भी हाई फाई रेट है। क्या हम ले पाएंगे यहाँ पर? हमारी शक्ल देख के लग रहा है आप, अरे नहीं कैसा नहीं पाएंगे, कुछ नहीं पता कब वक्त पलट जाए हैं। चलो गाइस भगवान की दुआ है, वो क्या हो गया, वो कोई ने रिवाल्वर गिरा दिया। अच्छा अच्छा बैरिकेड गिरा दिया, ओ भाई गाइस क्या लोग हैं, आके बैरिकेड उड़ा दिया भाई, आके पोस्ट लिया बैरिकेड उड़ा दी। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है वैसे, बट इट्स ओके, मजा आ रहा है, दो पार्ट बना देंगे लेकिन मजा आ रहा है भाई।
ये है आमिर खान का घर, जूम कर देता हूँ, ये पूरा आमिर खान सर का घर है। क्या बात है, क्या बात, देख रहे हो क्या बढ़िया घर है। और ये दोनों अपार्टमेंट एक ही है, वो देखो एक बंदा भी खड़ा है भाई, वो आमिर खान ही लग रहा है मेरे को भाई, एक बंदा भी खड़ा है, बंदा भी खड़ा हुआ है भाई, एक आमिर खान खड़ा हुआ है, आजा दिखाऊं तेरे को, जल्दी आ। अबे ये चिल्ड्रन गार्डन है, चिल्ड्रन गार्डन, अच्छा अच्छा, और वो डॉगी का गार्डन है, अच्छा जॉगिंग, डॉगी डॉगी कुत्ता, अच्छा कुत्ता, ओनली कुत्ता, चार बजे से वॉकिंग करते कुत्ते आए थे, अच्छा कुत्ते गुलाटी मारते हैं, क्या बात, किनका बल्ला है इतना बड़ा, अंकल कह रहे इतना बड़ा चलाता है, क्या बात क्या बात। अंकल कुछ बोलना चाह रहे हैं बताओ, सलमान खान दान बहुत करता है, हाँ वो पैसा बहुत देता है, दान बहुत करता है, 62 रुपए हो चुके हैं 4 किलोमीटर में, पता नहीं चला 4 किलोमीटर को बीत गए, माइंड दे रहा है पानी की तरह चलेगा, पानी की तरह जाता है, अभी नहीं पता चलेगा कब कहाँ पहुँच गए, सही बात, हम आपको पूरे अंदर के सारे रास्ते पता है, अंदर से ही तो लेके आ रहा है, नहीं तो तुम पर 200 रुपए हो जाते हैं, पूरा जाल बिला रखा है मतलब तुमने पूरे मुंबई में। एक और बात कह रहे थे कि हमें कोई नहीं रोकता, सलमान खान के घर में भी घुस जाएंगे हम, हाँ रिक्शा लेके हम लोग कहीं भी घुस जाते हैं, हम लोगों की इच्छी है, ये बोल दो लाइक कर दो वीडियो को, हाँ हम लोग बोलो लाइक करो वीडियो को, ये लाइक करो भाई सब लोग मिलके लाइक करो। जब हम आ चुके हैं जुहू और 8 किलोमीटर हो चुके हैं, 124 कैम से कम है रे। अक्षय कुमार कैसा है, बढ़िया बंदा है इसका, अक्षय कुमार का, हाँ यार मैंने देखा तो है नहीं, मैं अक्षय कुमार नहीं, बंदा कैसे, बंदा ठीक है, वो आदमी तो सही है, अच्छा आदमी है, वो भी करता है दान, करता है, नहीं दान करता है कोई बात से मतलब तो नहीं, हाँ थोड़ा बहुत तो करा है उसने दान। फिर मिलेंगे बाय, टेक केयर। तो गाइस ये है अमिताभ बच्चन सर का घर, क्या नाम है, जलसा। तो आज जब हम कर रहे हैं यहाँ से बेस्ट की बेस्ट, यहाँ से बस कर ले भाई, देखते हैं भाई कर ले, मिलेगी तो कर लेते हैं ना, चल ठीक है कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं ठीक है भाई। बस करके यहाँ से फिर आगे जाएंगे सीएसटी भाई, या बस से जाना चैलेंज है तेरे को, मिलेगी तो चलेंगे भाई, नहीं मिलेगी तो कैसे जाएंगे, मिलेगी तो जाएंगे, ठीक है डन गाइस। बस आ चुकी है 28, आ चुकी है, ये जाएगी सीधा सीएसटी, सॉरी गाइस, पहली बार मुंबई लोकल बस की सवारी गाइस, मैंने पिक्चरों में बहुत देखी, गजनी में भी देखी थी मैंने, तो मेरा मन था एक बार मुंबई की लोकल बस में बैठ के देखूं कैसा लगता है, बहुत बैठ गया, एक घंटा हो चुका बस, बहुत बोर हो रहा है, थोड़ी अब गर्मी भी लग रही है यार, गर्मी भी है भाई, नहा लेंगे, एसी कोच अपना तो जाते वक्त एसी कोच, जाते वक्त एसी, मैंने इसको भाई उसने मेरे को कुछ सजेस्ट किया कि जाते वक्त एसी करा लेंगे, क्योंकि मुंबई की गर्मी बहुत चुभती है, ह्यूमिडिटी बहुत, मैंने भी एग्री करा, मैंने कहा हाँ यार यहाँ तो गर्मी में घूम लेंगे बेशक, लेकिन वहाँ तो अपन भाई एसी कोच लेंगे पुणे जाने के लिए, अब यहाँ से आई थिंक आधे घंटे का रास्ता और है, आधे घंटे और हंसते हंसते कट जाए रास्ते। मुंबई में एक चीज़ समझ ली मैंने, यहाँ कोई अपनी थूक भी किसी को फ्री में नहीं देगा, और हम दिल्ली वाले दिलवाले, कहीं 50 रुपये छोड़े, कहीं 20 रुपये, कैब वाले बाबा जा रख ले 6 रुपये, जा तो 10 रुपये रख, जा तो 15 रुपये रख, जा तो 20 रख, लेकिन यहाँ के लोग सर एक रुपया दो मेरे को, मैंने कहा कहाँ से दूँ एक रुपया, नहीं कह रहा नहीं सर मैंने कहा हराम ही होते, बहुत छोटा दिल है भाई मुंबई वालों का, बुरा मत माना मुंबई वालों, बट अपना दिल थोड़ा बड़ा करो ठीक है भाई, मुंबई में रहकर स्किन देखो काली हो गई भाई, हाँ आपकी भी हो गई थोड़ी, गोरे हो जाएंगे पुणे में जाके, टैन हो गई, अबे तेरा भाई वापस गोरा हो जाएगा। तो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है, इसमें बैठेंगे, एसी कोच है ना, एसी कोच है, चलो गाइस ये रहा अपना कोच C2, यहाँ इसमें बैठेंगे हम, बर्फ बनी पड़ी है, पता नहीं बर्फ अंदर से होगी नहीं, दरवाजा नहीं ओपन हुआ अभी तक, तो कर देंगे गाइस ट्रेन में, ओए होए होए होए, ओ भाई क्या एसी है यार इसका,
मजेदार भाई चार्जिंग पोर्ट भी कितने अच्छे हैं देख, ये रखने का भी है भाई सिस्टम भाई, ये तगड़ी है भाई। आधे समय की तो टट्टी कराई थी तूने, बुरा मत मानी भाई, टट्टी नहीं मिली नहीं भाई, जहर थी जहर साले। एसी करवाया कर, एसी के बिना नहीं मेरे हिलता सिस्टम भाई, एसी के बिना कुछ नहीं होता भाई। आदमी आदमी के ऊपर होता है वो सब। तो हम कहाँ बैठे हैं भाई? मैं एसी में बैठ रहा हूँ भाई। से एक बात है, ट्रेन जाना क्या व्यू है यार, अबे कितनी साफ सुथरी ट्रेन है भाई ये तो, डेक्कन क्वीन। और देखो रेस्ट वेस्ट करने का पूरा भाई तो अपनी दोनों की कोच भाई, हुए भाई के हमारे दोनों की पर्सनल कोच है भाई। भाई खाने का भी सौदा है, तो खाना भी देंगे क्या हमें? ओनली आगे वालों के लिए है भाई, आगे वालों के लिए फैसिलिटी है भाई। मैं बैठूंगा अंदर अंदर मैं तो भाई से एक बार दोबारा मलार बाहर ले जा रहा है। अब एसी अच्छा चल रहा है भाई, मत जा मत ले जा मुझे, चलो भाई। इस ट्रेन में एक बेनिफिट है, सीट भी टिल्ट हो जाती है, देखो आगे की सीट है या ये है, इसके पीछे भी लोग खाना खा सकते हैं। चार्जिंग स्लॉट देखो कितने अच्छे, केस है ये, चेन है अगर किसी को इमरजेंसी हो तो, फालतू में मत खींचना। और ये देखो ये भी लोगों के खाने के लिए सिस्टम, और सीट भी कंफर्टेबल, और शीशे भी देखो, और एसी है कैड़ा, एसी भी तगड़ा है भाई, एसी कड़ी ठंडक दे रहा है भाई, मज़ा आ गया आज तो। अच्छी ट्रेन है भाई, आई लाइक दिस ट्रेन डेक्कन क्वीन। तो गाइस ये पहली ऐसी ट्रेन थी डेक्कन क्वीन जिसमें लेडीज़ कोचना और डाइनिंग का थी, मतलब यहाँ फूड खा भी सकते हैं, पूरा ऐसे स्टॉल बना हुआ, मैं जाके दिखाऊंगा बहुत आगे, थोड़ी देर बाद जाऊंगा, अभी कैमरे की बैटरी भी लो हो चुकी है तो अभी जाऊंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, कैमरे में बूंदे आई थी अभी। अभी हम देखने जा रहे हैं डाइनिंग कार, चलो जी डाइनिंग कार दिखा दो भाई, चले भाई मलार देख ली कहाँ पर है। चलो गाइस ये है पेंट्री का एरिया, ये डाइनिंग कार। गाइस डाइनिंग कार आपको थोड़ी सी दिखा पाया, स्टार्टिंग में अंदर गया था अलाउड नहीं, और भी लोग बैठ के वहाँ खा रहे थे, और बट वहाँ बन नहीं रहा था, तो बना बनाया जो भी पैकेट वैकेट की चीज़ें हैं वो खिला रहे थे वो, तो मैंने कहा भाई नहीं खा रहा, मैंने कहा वीडियो बनाने देगा तो खाऊंगा, नहीं बनाने देगा तो नहीं खाऊंगा, उसने फिर भी नहीं बनाने दे। मैंने कहा चल तू खिला दे, क्या खिलाएगा, कह रहा कुछ है ही नहीं, क्या खिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई नहीं बनाएंगे जा। तो अब हम पहुंचने वाले हैं पुणे, 8:10 हो चुके हैं, तो मतलब और 5 मिनट में पुणे। तो गाइस इस वीडियो को मैं यही कर रहा हूँ, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो जल्दी से, इसके मास्क पे लगी हुई कड़ी की कसम, जल्दी से सब्सक्राइब मारो, जल्दी से अब जाएंगे सीधा कैब करके घर और खाएंगे कुछ।